हर जाने वाला प्रोग्राम बात में ना कहना कुछ भी। सोनपुर मेला 2022 सजकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं जो भी काम था वो पूरा हो चुका है। झूला से लेकर मीना बाज़ार से लेकर थिएटर से लेकर लगभग सब कुछ खुल चुका है और तैयार हो चुका है। और आप सबों का कमेंट आ रहा था कि जो झूला आ रहा है आखिर में उसका रेट कहां पर सबसे सस्ता है और कौन कौन सा झूला यहां पर आया है। तो इस वीडियो में सोनपुर मेला 2022 में आए जितने भी झूले हैं, जितने भी प्रकार के झूले हैं, उन सारों का डिटेल आप जानेंगे और देखेंगे। आज हम वीडियो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सोनपुर मेला के चिड़िया बाज़ार से। जहाँ पर हम खड़े हैं वो चिड़िया बाज़ार का है और यहाँ पर भी लगभग जितने भी झूले आपको दिखाई दे रहे हैं सोनपुर मेला में होंगे वो सारा झूला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरफ आप नाव वाला झूला देख रहे हैं, इधर दिखाइए ना, नाव वाला झूला दिख रहा है। उस तरफ आप देखिएगा तो ब्रेक डांस है और इस तरफ जो आकाशीय झूला है वो बड़ा सा झूला आपको दिखाई दे रहा है और ऐसे में दो दो जोड़ी यहाँ पर आपको झूला दिखाई दे रहा है। अब तो ये झूलों की बात हो गई, अब हम जानेंगे कि इसका दर कैसे है और आपको मुख्य तरफ भी लेके चलेंगे और तब पता चलेगा कि जो झूलों में हेर फेर है दरों को लेकर वो समझ में आएगा। बहरहाल मुझे लगता है ये नाव वाले झूलों को लेकर है। क्या रेट रखे हैं इसका? सर 10 रुपये है। 10 रुपये? उधर तो 50 रुपये है, इधर 10 रुपये। 10 रुपये? तो आप चाहते हैं कि सबसे सस्ता झूला झूले कहाँ, तो चिड़िया बाज़ार में आप आ जाइए। आज जो नए हमारे व्यूवर्स हैं अभी जो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप चैनल पर आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोनपुर मेला 2022 शुरुआत हो चुका है, 6 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और 7 दिसंबर तक यह चलेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है और बिहार के सारण जिले के सोनपुर में यह लगता है। तो ये कुछ जानकारी है, पुराने जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सारे समझते होंगे। तो ये ब्रेक डांस वगैरह क्या है? ब्रेक डांस वगैरह वहाँ पर जाइए, वहाँ पता लगेगा। अच्छा, ब्रेक डांस का है तो हम बड़ा वाला झूला की तरफ लेकर चलते हैं। बहुत लोग इसके शौकीन होते हैं कि बड़ा वाला झूला झूला जाए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं खास करके मेले में ही दिखाई देता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रेट रखे हैं सर आप? 40 रुपये बड़ा झूला। कितना राउंड मारते हैं? ये चालू कब से कर रहे हैं आप? सुबह टाइमिंग क्या क्या है आपका? 10 बजे से रात को 10 बजे तक। तो सिर्फ आपके अंदर यही एक झूला है? ये तो आप देख सकते हैं। और बच्चों जैसे कि मेला में खास करके बच्चों को लेकर लोग आते हैं, तो बच्चों के लिए भी इस प्रकार की नज़ाने दर्जनों की संख्या में ऐसे आपको झूले मिल जाएंगे जहां पर आकर आप झूल सकते हैं। और वहां पर भी देख सकते हैं अभी भी झूला बन रहा है। इस हिसाब से अगर इस तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपको बेनिफिट होगा और कम दरों में आप झूला का आनंद ले सकते हैं। तो चिड़िया बाज़ार की तरफ आप देखिएगा तो झूलों का कतार है, विभिन्न प्रकार के जो झूले हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको बताएंगे भी दर, हम बताते चल रहे हैं ताकि जब आए तो आपको सहूलियत हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इधर ड्रैगन ड्रोन करके रेल है जो चलती है, जो आसान है, हर किसी आसानी से उसे झूल सकते हैं। क्या दर रखे हैं आप? 20 रुपया। कितना चक्कर मारवाते हैं? 6 राउंड। तो 6 राउंड का 20 रुपये है। तो ये जो उधर का नखास के तरफ से उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी सस्ता है, वहाँ 50 रुपये के आसपास अभी दर चल रहे हैं। चलिए सामने चलिए भाई देखिए माझी बहेंगे दीदी सा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़की के साथ में देखिए जादू। अब हम थोड़ा चिड़िया बाजार से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लकड़ी बाज़ार है और यहाँ पर भारतीय डिज्नीलैंड करके एक पूरा झूला का और साथ ही साथ जादूगर का सेट भी है। यही मैं बात करूँ कि ब्रेक डांस का 30 रुपया है, बड़े वाले झूले का 40 रुपया इन्होंने रखा है और वहीं नाव वाला जो झूला था उसका 30 रुपया है। वहाँ जो है चिड़िया बाज़ार की तरफ थोड़ा सा कम है। और यहीं पर आप देखेंगे तो बगल में इन्होंने ट्रेन और ड्रैगन ट्रेन वाला बना दिया, इसको भी इन्होंने 30 रुपया दाम रखा है। और जादूगर का जो शो है इन्होंने रखा है
30 रुपया जो कि आधे घंटे तक ये लोग दिखाएंगे और 10 बजे से चालू कर दे रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा है अंदर का, और शो चालू होने से पहले रंगारंग का कार्यक्रम थोड़ा सा चलता है। आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग मौजूद हैं सोनपुर मेला के गजग्रह चौक पर। इधर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो झूला लगता है और झूला से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है सबसे ज़्यादा यहीं पर चलता है, और क्राउड सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कतार में लोग अभी भी लगे हुए हैं। और जो खास है जो यहाँ पर अब लगने वाला है मौत का कुआं, वो तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहरहाल ये शाम तक तैयार होने की संभावना है। कब तक तैयार हो जाएगी? कल होगा। कल हो जाएगा? हाँ कल हो जाएगा। कल हो जाएगा ये ऐसे बता रहे हैं, काफ़ी लेट भी आए हैं। हालांकि यहाँ का बड़ा झूला तैयार हो चुका है, और पीछे देखिए तो वहाँ पर जो ब्रेक डांस है वो भी यहाँ पर है और वो भी तैयार हो चुका है। और ठीक उसके उस तरफ थोड़ा सा इधर कैमरा को पैन कर दीजिए तो वहाँ पर नाव वाला भी झूला है, और बच्चों के लिए भी यहाँ पर झूला आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वही मैं बात करूँ, ये जो बड़ा वाला झूला आप देख रहे हैं, इन्हें है बड़ा वाला झूला, बड़ा वाला जो झूला आप देख रहे हैं वो 50 रुपये आपको लगेगा उसका दर। और वहीं पर मैं बात करूं ब्रेक डांस यहां पर जो है उसका भी 50 रुपये लगेगा, क्योंकि यहां पर क्राउड सबसे ज़्यादा रहता है, उस लहजे से यहां पर महंगा रहता है चिड़िया बाज़ार के उस तरफ जो झूले हैं उसके कंपैरिजन में। बड़ी बड़ी कार्यक्रम को जाते हैं।